मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। मैं एवेंजलिस्ट मेहताब गिल एक बार फिर से आपके साथ एक नए प्रोग्राम में हाजिर हूँ। आज जो प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं ये प्रोग्राम है ओरिजिनल सिन यानी कि मरूसी गुनाह पर। इसे स्टार्ट करने से पहले आइए हम खुदावंद के हजूर अपने सरों को झुकाकर खुदा के हजूर दुआ करें। बहरोबर के मालिक खालिक खुदावंद खुदा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ आज इस मौका के लिए जिसमें खुदामंद खुदा तूने अपने बंदा के ओ खुदामंद खुदा मुहैया किया कि हम इस खास उनवान पर खुदामंद खुदा सीख सकें और तेरे कलाम की बुनियादों पर खड़े हो सकें। सो खुदामंद खुदा इस सारी डिस्कशन को इस सारे प्रोग्राम को तेरे हाथ में देता हूँ और इल्तजा और मिन्नत करता हूँ कि खुदामंद खुदा जो भी हम गुफ्तगू करते हैं जो भी बात करते हैं तेरे ही नाम को जलाल देने का वसीला और सबब बने। तो अपने बंदा के साथ हो पास्टर खुर्रम को खुदावंद खुदा जो तेरा बंदा है इसको तेरे हाथों में देता हूँ और दुआ करता हूँ कि तुझे खुदावंद खुदा तुझे इस प्रोग्राम में कसरत से इस्तेमाल करना। यीशु मसीह के कादिर नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो अजीजो आज के इस प्रोग्राम में मेरे साथ खुदा के खादिम पास्टर खुर्रम है जो कि जिनका मैं ऑफिशियल इंट्रोडक्शन करवाता चलूं। पास्टर खुर्रम दो यूनिवर्सिटीज की थियोलॉजिकल फैकल्टी में बतौर न्यू टेस्टमेंट के प्रोफेसर रह चुके हैं और इस वक्त साउथ कोरिया के नामवर चर्च के जो हेड ऑफ इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के डिपार्टमेंट में हैं और इसी तरह से खुदा अपने बंदा को मुख्तलिफ ममालिक में मसीह के शागिर्द के तौर पर एज अ मिशनरी खुदा इस्तेमाल कर रहा है और इसके अलावा और बहुत सारी ऐसी खिदमात हैं जिनमें खुदा अपने बंदा को कसरत से इस्तेमाल कर रहा है। सो मैं वेलकम करता हूं आपको पास्टर खुर्रम आज के हमारे इस प्रोग्राम में। थैंक यू सर, खुदा आपको बरकत दे, शुक्रिया। मुझे दिली खुशी है कि मैं आपके साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हूँ क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस तरह के टॉपिक्स की डिस्कशन करते हैं जो वाकई कॉम्प्लिकेटेड है। तो लेट्स सी कि खुदा करू आज हमारे थ्रू किस तरह से बात करता है। आमीन। सो आज की गुफ्तगू का आगाज, आज के प्रोग्राम का आगाज पादरी साहब मैं पहले अपने सवाल से करना चाहता हूं और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये होगा कि गुनाह क्या है। खुदा यीशु मसीह के नाम में आपको सलाम और अब मैं आपके पहले सवाल का जवाब कुछ इस तरह से देना चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस को अगर हम गौर से पढ़ें और जानें कि गुनाह का असल मतलब क्या है तो हमें ये मिलता है कि खुदा से जुदाई, ये सबसे पहला गुनाह है और खुदा से जुदा होकर हमारी जितनी भी रास्तबाजी वो सारी गुनाह के तौर पर ही गिनी जाती है। तो हमें इसके मिसाल यसाया नबी की किताब में मिलता है। यसाया नबी का अगर हम पहला बाबी पढ़ते तो वहां पर बहुत सख्त अल्फाज में लिखा है कि तुम्हारी रास्तबाजी जो है वो हमारे मेरे नजर में धज्जियों की माने, गंदी धज्जियों की माने, ठीक है ना जी। बिल्कुल। तो जब खुदा खुद इस तरह से बात कर दे तो उसके आगे फिर और डेफिनेशन हम क्या दे सकते हैं गुनाह की। गुनाह जो है अगर हम चले पैदाइश से शुरू करते हैं, अगर हम पैदाइश से ही देखें जब तक आदम और हवा खुदा की हजूरी में थे वो रास्तबाज थे और जब वो खुदा की हजूरी से निकाल दिए गए तो गुनाहगार कहलाए क्योंकि गुनाह खुदा के साथ नहीं रह सकता। और हम लोग बतौर इंसान हम लोग गुनाह को अपने मोरालिटी के हिसाब से देखते हैं कि कौन सा शख्स अच्छे काम करता है कौन सा शख्स बुरे काम करता है, हम कामों में देखते हैं जबकि गुनाह बेसिकली काम नहीं है, काम तो उसका एक्शन है, ठीक है ना। किसी भी गलत चीज की ख्वाहिश आ जाना ही गुनाह है। यीशु मसीह ने बड़े साफ अल्फाज में कहा कि अगर तुमने किसी के बारे में कुछ गलत सोच ही लिया जी, ठीक है ना, तो गुनाह एक्शन नहीं है, एक्शन से पहले का प्रोसेस है जो आपके अंदर है, जो आप जंग करते हैं जिसके साथ, जो हम कहते हैं रूह और जिस्म की जंग जी, तो वो गुनाह के ऊपर हो रही होती है। तो मेरे नजदीक गुनाह खुदा से जुदाई है और हर वो काम जो हम खुदा से जुदा होकर करते हैं वो तमाम गुनाह, चाहे वो इबादतें आप कह लें, चाहे वो आप रो रो के दुआएं कह लें, चाहे आप वो बिशारती इबादतें कह लें। तो अगर खुदा के आप नजदीक नहीं है, क्योंकि ये एक आम मिसाल पाई जाती है हमारे खादमों के, कुछ खदाम हैं ऐसे
जो स्टेज पर बहुत अच्छा बोलते हैं और पुरजोश हैं और बड़े बड़े काम भी कर लेते हैं, लेकिन उनकी पर्सनल लाइफ में अगर आप देखें तो आपको खुदा की हजूरी, रूह की मामूरी और उसके साथ के जो फल हैं, रूह के फल, वो आपको मुश्किल नजर आते हैं। मेरा मानना यह है कि खुदा से जुदा होकर हर एक काम, चाहे रास्ती है चाहे ना रास्ती का काम है, वो सब गुनाह है। अगर आप रास पास हैं तो आप खुदा के अंदर हैं। अब बहुत सारे लोग मेरी इस बात से खफा भी हो जाते हैं कभी कभी और सवाल उठाते हैं, नहीं जी आप कैसे किसी को जज कर सकते हैं कलाम में कहीं जज करने के लिए। तो आप अगर गौर से कलाम को पढ़ें तो वहां पर राइशियस जजमेंट का है जिक्र, ठीक है ना, कि आपने अगर किसी की रासबाजी को रास्ती के साथ जज करना है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आपको कोई हक नहीं है। अगर आप पार्शली मतलब किसी का साथ दे रहे हैं, किसी को फेवर करने के लिए अगर आप जज कर रहे हैं तो ये गलत है, लेकिन अगर आप न्यूट्रल हैं, आप अगर खुदा की आवाज है तो आप जज कर सकते हैं, ये आपके पास राइट है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो हम नजरअंदाज कर देते हैं, अपने फायदे की चीजों को हम समेट लेते हैं, बाकी चीजों को जाया कर देते हैं, जबकि खुदावंद के कलाम में जो जिस तरह मैं अक्सर लोगों से बयान करता हूं कि हर एक लफ्ज बामायने है और हर एक लफ्ज की अपनी एक पोजीशन है। खुदा को कोई शौक नहीं था कि पेन से जो है वो वर्के काले करवाता अपने लोगों से, ठीक है ना, कि गैर जरूरी बातें भी लिख दो, ये भी कर दो, बड़ी मोटी कर दो बाइबल, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक चीज का मकसद है कलाम मुकद्दस में और हमें उसको गहरे तौर से जानने की जरूरत है। आमीन आमीन आमीन। So, आपकी आपकी जो गुफ्तगू है उससे ये पहलू एक सामने आ रहा है कि इस दुनिया में आया हुआ हर एक शख्स गुनाह से जूझ रहा है, चाहे वो एक आम शख्स हो चाहे वो कोई मजहबी शख्स ही क्यों ना हो। एग्जैक्टली ये बात हम अपने अगले सवाल में करेंगे जी। जो अभी पेंडिंग है तो जल्द उस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तो अभी जो मेरा कहने का मकसद ये है जी। जो कलाम मुकद्दस की रूह से है जी। के खुदा की हजूरी में आपकी हर एक चीज रास्तबाजी है, क्योंकि खुदा की हजूरी में जाने का मौका सिर्फ उसी को मिलता है जो पाक है। आमीन। ठीक है ना, पुराने अदनामे की रूह से देखेंगे तो आपको बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर नए अदनामे की रूह से देखेंगे तो पौलुस रसूल कहते हैं कि मसीह यस्सु में हमें पाक मकामों में जाने की दलेरी है। आमीन। दाखिल होने की दलेरी है, राइट। तो ऑफकोर्स indirectly अभी अगले सवाल से रिलेट कर रहे हैं हम जी, जरूर। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक गुनाह पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम एक और तालीम को सीखते हैं, मौरूसी गुनाह। सो ये अल्फाज मैं अपने नाजरीन से बात करना चाहूंगा, ये अल्फाज हो सकता है कि आप में से कईयों के लिए नया हो, या हो सकता है कि आप में से कईयों ने सुना तो जरूर हो लेकिन स्टिल आप इसके बारे में नहीं जानते। सो आज मौका है कि खुदा जो है वो हमें इसके बारे में सिखाना चाहता है, और जरूर हम इस प्रोग्राम में ये जानेंगे कि मौरूसी गुनाह दर हकीकत है क्या। सो पादरी साहब, पास्टर खुर्रम, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मौरूसी गुनाह की क्या डेफिनेशन है। ओके पैसा, मैं आपको एक बात, बड़ी मजे की कहानी है ये, लेकिन जब आपने मुझे टॉपिक्स दिए और आई हैव बीन थ्रू सम आर्टिकल्स सम बुक्स, अभी भी मेरे पास जो मैंने एक किताब रखी है आपको मैं दिखाता हूँ, ये एरिक्सन जे मिलर्ड की लिखी किताब है, ठीक है, सिस्टमैटिक थियोलॉजी। तो इसका आप साइज देख लें और इसके अंदर बेशुमार टॉपिक्स हैं, ये तकरीबन 1300 पेजेस पे मुश्तमिल है किताब। ओके ठीक है, और इसमें बेशुमार वेरी ह्यूज एंड वेरी वास्ट एंड बहुत अच्छी तरह सलीके से लिखी गई है कि अगर आपको थोड़ी बहुत अंग्रेजी आती है तो कोई भी शख्स इसको समझ सकता है कि क्या लिखा गया इसके अंदर। okay. और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर इसको चला गया और सारी चीजें। किताब को मैं प्रमोट नहीं कर रहा, वो लोग जिनको शौक है पेचीदा चीजों को सीखने का वो इस तरह की किताबों का जरूर मुआयना करें। सिस्टमैटिक थियोलॉजी एक ऐसी टर्म है हमारे थियोलॉजिकल वर्ल्ड में जिसको जो फर्क फर्क दौरों में लोगों ने अपने अपने सिस्टम के तहत थियोलॉजी को मोल्ड किया, तो उसको किस तरह सिस्टमेटिकली अप्लाई किया उसको जानने के लिए हम इस तरह की चीजें पढ़ते हैं। अब जब आते हैं मारूसी गुनाह की बात पर, तो मजे की बात यह है
कि ये टर्म हमें बाइबल में नहीं मिलती। ओके जैसे लफ्ज तसलीस हमें कलाम में नहीं मिलता, लेकिन उस तसलीस की क्रिएशन हमें मिलती है। ये तसलीस है कैसे, राइट? लेकिन वो लफ्ज, वो टर्म नहीं है वहां पे। अब लोगों को आसानी से समझाने के लिए हमने तसलीस का जिक्र कर दिया। इसी तरह इसी तरह कलाम मुकद्दस में मारूसी गुना की इंग्लिश टर्म है ओरिजिनल सिन, राइट? ओरिजिनल सिन। अब ओरिजिनल का मतलब क्या है? जो पहले कभी ना हुआ हो, या जहां से उसका ओरिजिन हुआ हो, जहां से उसकी शुरुआत हुई हो, जो नया हो और पहली बार हुआ हो, वो ओरिजिनल है, वो मारूसी है। तो हमें एक्चुअली मारूसी गुना की जो बेस्ट डेफिनेशन मिलती है या स्क्रिप्चर मिलता है, वो हमें पुराने नामे में नहीं मिलता। और यही वजह है कि जो यहूदी साइड है हमारे ओल्ड टेस्टमेंट के जो पार्ट है, वहां पर वो लोग इस चीज पर अभी तक उसको फेवर नहीं करते, इस टर्म को या इससे रिलेटेड डॉक्ट्रिन को। हमें जो बेस्ट इसकी एग्जांपल मिलती है, अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें, तो हमें रोमियो के खत में मिलती है। तो रोमियो का आम खत, उसका पांचवां बाब और उसकी बारहवीं आयत से अगर हम पढ़ें, तो 19वीं आयत से लेके या 21वीं आयत तक भी आप पढ़ें तो भी ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से कहता है पौलुस रसूल, बस जिस तरह एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई, और यूं मौत सब आदमी में फैल गई इसलिए कि सब ने गुनाह किया। अब इससे पहले, इस हवाला से पहले, हमें मारूसी गुनाह या पूरी आदमजात गुनाह में दब गई, इस तरह का कोई जिक्र नहीं मिलता, सिर्फ सिवाय इसके कि हमें जबूर 51 गालबन और उसकी पांचवीं आयत है, लेट मी रीड फॉर यू। देख मैंने बदी की सूरत पकड़ी और मैं गुनाह की हालत में माँ के पेट में पड़ा। अच्छा, हमें सिर्फ एक ये हवाला मिला, कहां से? पैदाइश जबूर की किताब में जी। एक हमें मिलता है अय्यूब की किताब में, लेकिन वो इतना वैलिड नहीं है, इसलिए उसको हम स्किप करेंगे, क्योंकि वो फिर बात लंबी हो जाएगी, उसको समेटना मुश्किल हो जाएगा। तो हम वापस आते हैं रोमियो पर। दाऊद कहता है कि जी मुझे माँ के पेट से ही मैं गुनाहगार हूं, ठीक है। अब रोमियो पांचवें बाब की बारहवीं आयत हमने पढ़ी कि सबने गुनाह किया। तेरहवीं आयत कहती है क्योंकि शरीयत के दिए जाने तक दुनिया में गुनाह तो था, मगर जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है? जहां शरीयत नहीं वहां गुनाह महसूब नहीं होता। और इसके लिए हमें रोमियो दूसरे बाब की छठी आयत, वह हर एक को उसके कामों के मुआफिक बदला देगा। ठीक है, तो जहां पर अच्छा यहां पर कामों का जिक्र है उर्दू ट्रांसलेशन में, कई जगहों पर लिखा है अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियसनेस, कि जैसा वो समझे, जैसा ईमान उन्होंने रखा, या जैसे जैसे वो खुदा की इबादत या खुदा को रद्द किया, खुदा को माना, अकॉर्डिंग टू देयर ओन वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग। तो ऑफ कोर्स गॉड इज जस्ट, खुदा कामिल खुदा है और खुदा अदल का खुदा है, और वो कभी गलत सजा नहीं देता। तो हम फिर रोमियो में जा रहे हैं, तो फिर यहां पर लिखता है चौदहवीं देखिएगा, तो भी आदम से लेकर मूसा तक मौत ने उन पर भी बादशाही की जिन्होंने उस आदम की नाफरमानी की, उस आदम की नाफरमानी की तरह जो आने वाले का मसील था, गुनाह ना किया था, लेकिन गुनाह का जो हाल है वो फजल की नेमत का नहीं, क्योंकि जब एक शख्स के गुनाह से बहुत से आदमी मर गए तो खुदा के फजल और उसकी जो बख्शिश एक ही आदमी यानी यीशु मसीह के फजल से पैदा हुई, बहुत से आदमियों पर जरूर ही क्या लिखा है, इफरात से नाजिल हुई। सोलहवीं आयत, और जैसा एक शख्स के गुनाह करने के का अंजाम हुआ बख्शिश का वैसा हाल नहीं, सॉरी हुआ बख्शिश का वैसा हाल नहीं, क्योंकि एक ही के सबब से वो फैसला हुआ जिसका नतीजा सजा का हुक्म था, मगर बतेरे गुनाहों से ऐसी नेमत पैदा हुई जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग रास्तबाज ठहरे। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड उर्दू है ये चैप्टर, ही थोड़ा सा मुश्किल है इसको समझना। एक्चुअली यहाँ पर पौलुस रसूल गुनाह और यीशु मसीह का मुआवजना कर रहे हैं, ठीक है। अब गुनाह और यीशु मसीह का मुआवजना जहां पर हो रहा है, ऑफकोर्स गुनाह इंसान की नजर में
मोरल एक्टिविटीज, चोरी, खून, जिनाकारी, झूठ, ये चीजें हैं। लेकिन गुनाह उससे पहले है, गुनाह उससे पहले है। अच्छा, मरूसी गुनाह जो है ना, हम इसको काउंट कहां से कर रहे हैं? हम इसको काउंट कर रहे हैं आदम के उस अमल से, जहां पर अब्लीस आता है, हवा को बहकाता, आदम को खाता है, और फिर वो फॉल ऑफ मैन कहलाती है। दो टर्म्स हैं हमारे पास, एक ओरिजिनल सिन और एक द फॉल ऑफ मैन, और दोनों का मतलब तकरीबन एक सा ही है। हुआ क्या कि गुनाह तो इससे पहले हो चुका था, लेकिन लेकिन जमीन पे दाखिल नहीं हुआ था। और वो गुनाह कहां हुआ था? आसमान पर, आसमान पर हुआ था। तो लोग बेसिकली जब मारूसी गुनाह की बात करते हैं ना, ओरिजिन ऑफ सिन की बात करते हैं, तो वो सिर्फ दुनियावी उसके ऊपर देखते हैं, सतह पर देखते हैं, लेकिन आसमानी मुकामों में कहीं कुछ हुआ था। Yes. और क्योंकि क्योंकि वहां खुदा की हजूरी थी जो पाक थी, जहां गुनाह नहीं रह सकता था, इसलिए वहां से उसको गिराया गया। अब जब गिराया गया, बेसिकली वो गुनाह गुनाह की जो रूट थी वो थी क्या? लूसीफर या अब्लीस जिसको हम कहते हैं, या वो पुराना सांप अजदा, वो बेसिकली चाहता क्या था? इजिकेल में हमें उसकी नरेशन मिलती है, खुदा से ऊपर अपना तख्त बनाना चाहता था, खुदा exactly. से बड़े ओहदे पर आना चाहता था। Exactly. तो what is the sin? The sin is arrogance. वो कहता है खुदा, अच्छा खुदा ने मुझे बनाया, खुदा ने मुझे ताकत दी, अब मैं जरा खुदा के ऊपर जाके देखता हूँ कि उससे ऊपर क्या है। अब जब आदम ने वो फल खाया, तो by the way, आदमी के अंदर पैदा क्या हुआ? Arrogance पैदा हुआ। Same nature of sin जो अब्लीस की है, वो आदमी में आ गई, right? Yes. Yes. और इसलिए वो खुदा की हजूरी से जुदा हो गया, उसको खुदा की हजूरी से निकाल दिया गया, बागे अदन से बाहर कर दिया गया। तो बागे अदन से बाहर करना और आसमान से गिराया जाना, ये सिमिलैरिटीज हैं। कुछ उसकी जो आसमान पे जो काम हुआ, उसकी एक शबी हमें जमीन पे मिलती है। तो हमें लगता है कि शायद हमें सब कुछ समझ आ गया, लेकिन जब तक हम आसमानी मुकामों को नहीं समझेंगे या वहां पर जो अवामिल होते हैं उनको नहीं जानेंगे, तब तक जमीन पे खुदा की रसबाजी कायम करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। भाई हम लोग, बहुत सारे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, लेकिन क्या वाकई हम खुदावंद यीशु मसीह को जानते हैं? भाई कायदे आजम ने पाकिस्तान को आजाद कराया जी, यही कहते हैं ना हम लोग, राइट? हमारी आज की जनरेशन से पूछें जी कायदे आजम हैं कौन, तो कितना को बता देंगे आपको? वो उतना ही बताएंगे जितना उन्होंने ऐसे में याद किया था। एग्जैक्टली लेकिन उस वक्त क्या अवामिल थे उसके, कायदे आजम की उस आजादी की मुहिम में इलामा इकबाल का क्या किरदार था, मोहतरमा फातिमा जीना का क्या किरदार था, और बहुत सारे अनासिर हैं, ठीक है? तो यीशु मसीह को जानने के लिए जब तक हम बाकी चीजों को नहीं जानेंगे, प्रॉब्लम यह है कि अगर हम मारूसी गुनाह को रद्द करते हैं ना, बेशक वो पौलुस रसूल की डॉक्ट्रिन में है, या पॉलीन डॉक्ट्रिन कहते हैं जिसको हम, उसके अंदर है, तो हम ये कह रहे हैं बेसिकली कि आदमजात को यीशु मसीह की जरूरत नहीं। समझ में बात? फिर ये था, अच्छा तो कलाम का, अच्छा चलें मैं थोड़ा सा अब इसको वाइंड अप करता हूँ ताकि हम अपने टाइम से और सर्कल से बाहर ना जाएं। तो बाइबल मुकद्दस के मुताबिक मारूसी गुनाह क्या है? तो पहली बात, पुराने अहदनामे में हमें टर्म नहीं मिलती। दूसरी बात, नए अहदनामे में रोमियो का ये पांचवां बाब उसकी 12वीं आयत से 19वीं आयत तक हमें ये जिक्र मिलता है, जहां पे पौलुस रसूल हमें यीशु मसीह की जरूरत किस तरह है इस उसको बयान करता है, और एक आदमी के सबब से पूरी दुनिया में गुनाह फैला, और फिर एक ही आदमी के सबब से पूरी दुनिया में रासबाजी भी आई, खुदा का फजल हम पर हुआ। तो उस इस स्क्रिप्चर के अलावा हमें कई छोटे छोटे ग्लिम्स मिलते हैं कुलसियों की किताब इफिशियंस में या यहाँ वहां, अदरवाइज और कोई इसमें बिब्लिकली वो नहीं है। मारूसी गुना की जो डॉक्ट्रिन है ना, इसका आगाज दूसरी सदी में हो चुका था, सेकेंड सेंचुरी एडी यीशु मसीह के बाद। तो इरेनियस नाम के एक हिस्टोरियन थे और उन थियोलॉजियन थे, और उन्होंने जो है इस पे कुछ काम किया था। फिर चौथी और पांचवी सदी में अगस्टिन नाम के एक थे हिस्टोरियन, जिन्होंने ये डेवलपमेंट की थी के पौलुस रसूल जो पांचवें बाब की 12वीं से 21वीं आयत और करंथियों, हाँ पहला करंथियों उसकी 15वीं बाब की 22वीं आयत भी देख लें एक नजर। और जैसे आदम में सब मरते हैं,
वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाए। आमीन। ठीक है, आमीन। तो ये भी अगेन पॉलिन डॉक्ट्रिन है, ठीक है। पौलुस रसूल ने जिस तरह से खुदावंद यीशु मसीह का मुकाशफा पर खुला और उन्होंने बयान किया, तो हमें उसी तरह से, क्योंकि ये कलाम मुकद्दस का हिस्सा है और इसलिए हमें जरूर है कि हम इस पर ईमान रखें कि जो कुछ इसमें लिखा है वो बरहक है। फिर ट्रुटुलियन है, साइप्रियन है, एम्ब्रोज है, और इस तरह के बहुत सारे नाम है जिन्होंने अपने अपने दौर के मुताबिक मरूसी गुना पर बात की। इनमें से एक ख्याल ये है कि आदम और हवा ने जो गुनाह किया उसकी सजा उन्हें मिल गई, और कुछ लोगों का ख्याल ये है कि इतना बड़ा गुनाह नहीं था जितनी बड़ी उनको सजा दी गई, राइट। और उसके अलावा एक, उसके अलावा जो दूसरा आइडिया है वो ये है कि आदम का गुनाह हमारे अंदर कैसे काम करता है। उसका ख्याल ये है कि जब आदम ने गुनाह किया तो हम आदम के अंदर थे, हम आदम के अंदर मौजूद थे, इसलिए जब उसने वो गुनाह किया तो वो गुनाह हम पर भी इंप्लीमेंट होता है, हम पर भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। इसलिए मारूसी गुनाह हमारे अंदर हमारी पैदाइश से ही चला आ रहा है। जी, समझ मेरी बात? ख्याल में बहुत आसान लफ्जों में बयान कर रहा हूं। अगर आप मुझे इसमें कुछ ऐड करने दें तो इसको यूं भी कहा जा सकता है कि मारूसी जो लफ्ज है उसमें अभी आपने वो लफ्ज इस्तेमाल कर दिया कि वो चीज जो विरासत में चलती आ रही हो। एग्जैक्टली, विरासत में, एक नस्ल से दूसरी नस्ल में। और जैसे आज हम साइंटिफिकली भी देखें तो अगर आज देखते हैं कि अक्सर खानदानों में कई ब्लड लाइन में जो है वो बीमारियां होती हैं जो एक नस्ल से दूसरी और दूसरी से तीसरी में ट्रांसफर होती आ रही हैं। तो ये एक इसकी अच्छी मिसाल भी हो सकती है। और दूसरा जो हवाला आपने पेश किया रोमियो 5:12, उसमें जिस तरह से लिखा है कि एक आदमी के सबब से गुनाह दुनिया में आया और गुनाह के सबब से मौत आई। तो ये जो मौत है वो जो आदम से आगाज हुआ और ये आज मुझ तक और आप तक और हमारी आने वाली जो नस्ल है वहां तक चल रहा है। Exactly. तो ये बाइबल मुकद्दस इसकी जो है वो तस्दीक करती हुई नजर आती है, और आपने भी खूब बखूबी तौर पर इसकी वजाहत की। इसके लिए मैं आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। पादरी साहब, मेरा तीसरा सवाल आपके साथ ये होगा, बहुत सारे ऐसे मजाहब भी हैं जो मुरसी गुनाह के तसव्वुर को कबूल नहीं करते, और बहुत सारे ऐसे गैर ईमानदार हैं जो इस पर ईमान नहीं रखते। तो आप जो है वो गैर ईमानदारों में मुरसी गुनाह के तसव्वुर को किस तरह से देखते हैं? Just to reserve my words, मैं कुछ चीजें आपसे कहना चाहूंगा। ऐसे मजाहिब जो पॉलीथियस्टिक हैं, उनके अंदर तो किसी तरह से मुमकिन ही नहीं कि मारूसी गुनाह की बात की जा सके, ठीक है, बिकॉज दे आर टोटली मोरली बेस्ड। उनकी सारी की सारी जो मजहबी रसूमात या जो भी उनका सल्वेशन का तरीका या जो भी है, वो सब आपके अमाल, आपकी जिंदगी में जो आप करते हैं उस पर डिपेंड करता है। अब हम आ जाते हैं मोनोथियस्टिक रिलीजन्स पे, जहां पर एक खुदा का जिक्र हमें मिलता है। अच्छा, उन रिलीजन्स का प्रॉब्लम, एक्चुअली प्रॉब्लम नहीं है वो, ये इसको हम इसी तरह देखते हैं। चलें एक छोटी सी मिसाल कायम करते हैं यहाँ पे। साउल और पौलुस में क्या फर्क है? साउल भी खुदा से प्यार करता था और पौलुस भी। वो लोग जो हमारे मदा हैं, जो सुन रहे हैं इसको या सुनेंगे, उनको मैं, उनके लिए मैं क्लियर कर दूं, मैं उसी साउल की बात कर रहा हूं जो बाद में पौलुस कहलाया। जी, ये एक ही शख्स के दो नाम हैं, ठीक है, कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जी, बिल्कुल। तो साउल और पौलुस में फर्क क्या है? साउल भी खुदा से प्यार करता था पौलुस बनने से पहले, और वो खुदा के मोहब्बत की शिद्दत में यस्सु के मानने वालों को कत्ल करता था। बेशक, राइट। पौलुस क्या करता था? जब वो पौलुस बना तो वो फिर खुदा की मोहब्बत की शिद्दत में ही कोड़े भी खाता था, संसार भी होता था, तूफानों से भी लड़ता था, परसिक्यूशन सहता था, आखिर में मौत तक भी गौरा की उसने। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि पौलुस रसूल की मिसाल हमें मिलती है, ये हमें मोनोथियस्टिक जो हमारे मजाहिब हैं उनमें ये मिसाल ठीक बैठती है कि वो अपने हिसाब से, अपनी किताब, अपने ईमान के हिसाब से ठीक कर रहे हैं जो कर रहे हैं, लेकिन उनमें मारूसी गुनाह का तसव्वुर नहीं है।
उसकी वजह क्या है? क्योंकि उनके पास जो किताबें हैं वो इसका जिक्र नहीं करती जी। हमारे पास एक्चुअली बहुत वसी टॉपिक जो हमने आज यहाँ पर शेयर कर रहे हैं ये इतनी आसानी से समेटा नहीं जा सकता, लेकिन हम कोशिश करेंगे जी। क्योंकि हमारे पास इसमें वेस्टर्न थियोलॉजी इन्वॉल्व है, हमारे पास यहाँ ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स इन्वॉल्व है, हमारे पास यहाँ रोमन कैथोलिसिज्म इन्वॉल्व है, हमारे पास यहाँ हिस्टोरिकल जो क्रिश्चियन शाखे हैं वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो अगर हम उसका जिक्र करें तो हमें मेरा ख्याल है 3-4 घंटे तो वैसे लग जाएंगे सिर्फ उनको बताने के लिए कि उनमें क्या मौजूद है। तो वो लोग जो वाकई शौक रखते हैं सीखने का, जस्ट गो थ्रू इंटरनेट और गूगल पे आप आर्टिकल्स ढूंढें, विकिपीडिया पे ना जाएं। विकिपीडिया इज नॉट, ठीक है आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है लेकिन दैट इज नॉट द प्रॉपर बेसिक इन्फॉर्मेशन, वो इधर उधर की ग्लिम्स आपको दे देंगे। लेकिन अगर आप उसी के नीचे विकिपीडिया के नीचे जाके लिंक्स होंगे उनको क्लिक करें, वो आर्टिकल्स, वो किताबें, वो ऑथर्स, उनको पढ़ें, वहां से आपको एक वसी रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलेगी और खुदा ने चाहता आपको बहुत बरकत मिलेगी, आपकी तालीम में इजाफा होगा, नॉलेज में। तो मोनोथियस्टिक जो रिलीजन है हमारे, क्योंकि उनकी किताबों में मारूसी गुनाह का जिक्र नहीं, उनका मानना क्या है, आदम और हवा ने गुनाह किया, वो उनका गुनाह था, उसकी सजा उनको मिल गई, लेकिन हम उस सजा के रिस्पॉन्सिबल नहीं है, हम उस गुनाह के रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसलिए हमारी सजा जो है वो हमारे अपने अमाल के हिसाब से होगी, ठीक है। लेकिन ये बात इसलिए वैलिड नहीं होती क्योंकि हमारे खुदा यीशु मसीह ने खुद मरकज की अंजील उसके दूसरे बाब में अगर आप देखें तो वहां पर एक जिक्र है, कई दिन बाद जब वो कफरनहूम में फिर दाखिल हुआ तो सुना गया कि वो घर में है, फिर इतने आदमी जमा हो गए कि दरवाजा के पास भी जगह ना रही और वो उनका कलाम सुना रहा था, और लोग एक मफलूज को 4 आदमियों से उठवा कर उसके पास लाए, मगर जब वो भीड़ के सबब से उसके नजदीक ना आ सके तो उन्होंने उस छत को जहां वो था खोल दिया और उसे उधेड़ कर उस चरपाई को जिस पर मफलूज लेटा था लटका दिया। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। माफ हुए। अब कौन से गुनाह माफ हुए और ऐसा कैसा गुनाह था कि जिसके माफ होते वो उठ खड़ा हुआ, राइट? इसके साथ मैं आपके लिए यूहन्ना की अंजील उसका 8वां बाब और 7वीं आयत पढ़ता हूं और इसमें लिखा है, प्राय मुकद्दस में यूं लिखा है, जब वो उससे सवाल करते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि जो तुम में बेगुनाह हो वो ही पहले उसको उसके पत्थर मारे। अब कौन खड़े थे वहां पे? फकी, फरीसी, यहूदी जी, राइट? तुम में से अगर कोई बेगुनाह हो, अब भाई इस सवाल को अगर मैं देखूं तो फकी फरीसी मार सकते थे क्योंकि वो तो वो लोग थे जो रासबाज कहलाते थे, वो तो वो थे जो खुदा के खेमा में दाखिल हो सकते थे, सरदार काहिन थे, ठीक है ना, वो लोग कर सकते थे, फिर वो उन्होंने क्यों नहीं किया? हालांकि हर साल वो अपने गुनाह बख्शवाते थे जानवरों की कुर्बानियां देख के, राइट? बिल्कुल। तो मैं उसको ऐसे देखता हूं कि अगर उन्होंने नहीं मारा तो कहीं ना कहीं इन द बैक ऑफ द कॉन्शियसनेस ये था कि यार हम गुनाहगार हैं। और मरूसी गुनाह को रद्द करना, अगर इस डॉक्ट्रिन को रद्द करें तो हम सल्वेशन को भी रद्द कर देंगे, सल्वेशन की डॉक्ट्रिन को भी रद्द कर देंगे, हम क्रिस्टोलॉजी को रद्द कर देंगे, हम मैसियानिक होप को रद्द कर देंगे, ठीक है ना, हम फिर किस बात पे खड़े होंगे? राइशियस जजमेंट पे खड़े होंगे, और राइशियस जजमेंट से गुजरना मेरा नहीं ख्याल कि हम में से कोई भी ऐसा होगा कि हम उसमें से गुजर पाएंगे अगर हम अपने अमाल पर कहें कि खुदावन हमने तेरी बातें किए हैं और हमने इतने शागिर्द बनाए और इतना सब। इवन मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि गुनाह से बाज रहा हूँ। पौलुस रसूल बड़ा क्लियर कहता है, वो काम जो मैं नहीं करना चाहता वो मैं कर जाता हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ मैं कर नहीं पाता। तो बेसिकली वो अपने इंस्टिंक्ट की बात कर रहा है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट जो मफलूज हो गया। अच्छा, बेशक गैर मजाहिब में ये कंसेप्ट नहीं, क्योंकि एक मजहब ये कहता है कि जी आदम हवा ने गुनाह किया और उनको सजा मिल गई और हम उस गुनाह के अंडर नहीं आते, चलें उसकी बात, ठीक है, लॉजिकली ठीक है, बहुत साफ है और मोरली
समझ में आती है, इंटेलेक्चुअली समझ में आती है, लेकिन स्पिरिचुअली नहीं समझ में आती। प्रॉब्लम यह है कि उनके पास स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं। क्या नहीं उनके पास? स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू। दैट्स व्हाई दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट द ओरिजिनल सिन इज। ठीक है, अब दूसरे मजहब पे आ जाएं, जो कि कदीम मजहब भी है, जो खुदा की चुनी हुई कौम भी है, और उस तरफ आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि जी हम इसलिए नहीं कहते क्योंकि बेसिक या सीधी बात है कि वो अभी तक यस्सु के मसीह होने को ही नहीं मानते। तो उस जरूरत को कैसे जानेंगे जिसके लिए वो आए? जी राइट, तो यस्सु मसीह के आने का मतलब देखना कि हमारे तमाम गुनाह से हमें मुखलसी मिल जाए, चाहे वो आदम का गुनाह है चाहे हमारा अपना गुनाह है। तो क्योंकि उनके पास वो पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है इसलिए वो भी नहीं मानते। सो इट्स ओके, खुदा राइशियस जज है, वो अपने मुताबिक अपनी अदालत करेगा। तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, वो दिन हम भी देखेंगे जब खुदा अपने लोगों से कहेगा आओ और अपने अब्दी आराम में दाखिल हो जाओ, और फिर वो बाकियों से कहेगा जाओ और हमेशा की आग में जा पड़ो। तो खुदा, हम मेरी जो पर्सनल दुआ है, 7.2 बिलियन आबादी है इस दुनिया की, 7.4 कह लें, अब कोरोना ने बहुत सारे लोग मार दिए, कुछ कम कर दें उसमें से, 5-6 लाख लोग इस दुनिया से चले गए कम कर दें जी। तो मेरी जो पर्सनल ख्वाहिश है ना वो ये है कि सारी की सारी कौम को यीशु मसीह का पैगाम पहुंचे और उस पर ईमान ले कि सब बच जाएं। लेकिन लेकिन कलाम मुकद्दस अगर आप नए अदनामे को देखें, कई जगहों पर जिक्र है, 2 या 3 जगह पे मिलता है, सिर्फ वो ही जो फजल के तहत बुलाए गए हैं। समझ रहे हैं बात को? जी जी। और उसके अलावा एक जगह यीशु मसीह कहता है कि दरवाजा तंग है, कुछ ही उसमें से दाखिल हो पाएंगे। तो जब हम उन आयात को देखते हैं देन वी कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, अगर 100% रिजल्ट नहीं है देन इट्स फाइन, क्योंकि एक इविल स्पिरिट है। मारूसी गुनाह को ना मानने का मतलब यह है कि हमने प्रॉब्लम ऑफ इविल को भी कोई खास नहीं समझा। अगर हम प्रॉब्लम ऑफ इविल पे बात करें, ये भी पूरा एक टॉपिक है हम लोग जिसमें हम अच्छे खासे घंटे लगा सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो बात सीधी सी भाई, गैर मजाहिब में मारूसी गुनाह इसलिए नहीं है क्योंकि वो स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव नहीं है, यीशु के मसीह होने को मानते नहीं है। जब वो उसको जानेंगे, उसको मसीह मानेंगे, तब उनको इसकी जरूरत का पता चलेगा कि वाकई इसकी जरूरत थी। क्रिश्चियंस क्यों इस पर कायम है? 3 चीजें हमें पैदाइश की किताब के पहले 3 चैप्टर्स में मिलती हैं, 3 चीजें जो इंसान के असल प्रॉब्लम्स है ना, जिसके लिए यीशु मसीह आए थे। थोड़ा सा टॉपिक से साइड जाऊंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, तो मैं जस्ट आई टेक अ मिनट टू तुम्हें बता देता। नो प्रॉब्लम, प्लीज। इंसान अगर नशाबाजी करता है तो वो कोई दिन आएगा कि उस पर काबू पा लेगा, ठीक है, रिकवर कर जाता है। हमने देखा रिहैबिलिटेशन सेंटर में जाके लोग नशेबाजी से बाज आ जाते हैं। कोई अगर उखड़ा उखड़ा मिजाज रखता है या घर में बदतमीजी के साथ रहता है, तो वो एक दिन आता है कि जी चलो सोच लेता है, कंसीडर कर लेता, अपने उस कमजोरी पे काबू पा लेता है, ठीक है ना। कोई शख्स है जो बुरी नजर से ख्वातीन को देखता है या कोई और अमल जिस जो खुदा के हजूर में या मॉरली ठीक नहीं है, तो इंसान के अंदर वो सकत है कि वो उस पर रिकवर कर लेता, उस पर काबू पा लेता है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं कि इंसान चाह कर भी काबू नहीं पा सकता, और उसके लिए इंसान से बड़े किसी की जरूरत है। वो 3 चीजें हैं पैदाइश के 3 बाप की 1 आयत से लेकर हमें 17वीं, 18वीं, 19वीं, 20वीं आयत तक मिल जाता है, 24वीं आयत तक, सॉरी। पहला अब्लीस, दूसरा अब्लीस के सबब से आने वाला गुनाह जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, और तीसरा खुदा से जुदाई। हमारे ये 3 मसले ऐसे हैं जो ये हम हल नहीं कर सकते चाह कर भी, और इसके लिए हमें खुदावन यीशु मसीह की जरूरत है। मैं थोड़ी थोड़ी चीजें इसमें इसलिए बयान कर रहा हूं कि लोग सुन के आगे चाहें कि वो चीजें खोल के पढ़ना चाहें और सीखें उनमें से। ऑफिसेस ऑफ क्राइस्ट एक पूरा टॉपिक है, एक फील्ड है, इसको आप देखिएगा कि मसीह के जो ऑफिसेज हैं वो क्या हैं, ठीक है। उसमें वो सरदार काहिन है, उसमें वो कामिल बादशाह है, और उसमें वो सरदार काहिन, कामिल बादशाह और कामिल नबी है,
ठीक है ना, ये तीन ऑफिसेज हैं, ये तीन ऑफिसेज और ये तीन प्रॉब्लम जो मैंने आपको बताया ये इंटर रिलेट कैसे करते हैं, ये मैं आज मिस्ट्री आप लोगों के साथ छोड़ दूंगा, आप लोग जरा ढूंढिएगा, अगर नहीं तो फिर कभी मुझे मौका दीजिएगा, फिर हम बैठ के बात करेंगे इसके और कलाम मुकद्दस के हवाले जात के साथ। ओके जरूर। तो लेट्स कंक्लूड इट, गैर मज़ाहिब अगर मारूसी गुनाह को नहीं मानते तो उसकी वजह यह है कि उनको यीशु मसीह की इंपॉर्टेंस का अंदाजा नहीं है। और कलाम मुकद्दस में साफ लिखा है कि इस जहां के खुदा ने उन बेईमानदारों की आंखों पर पर्दा डाल रखा है ताकि वो खुदा के बेटे का जलाल जो खुदा की सूरत है उसको ना देखें। राइट, तो दैट्स फाइन, हमें उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। हाँ, दुआ जरूर करनी चाहिए कि उनकी आंखें खुलें, यीशु मसीह की जरूरत उनको महसूस हो, ताकि मारूसी गुनाह प्लस जो हमारे हकीकी गुनाह अमाल जो हैं, अमलन गुनाह जो हैं, या जिसको हम सिन कह लेते हैं, उन सब से वो बरी हो जाएं। तो चलें हम इसको यहीं पे वाइंड करते हैं, वरना कहने को बहुत कुछ है। बहुत खुशी हो रही है मुझे आपके साथ आज की ये सेशन में और आज के इस प्रोग्राम में। मैं मुझे खुशी है कि मैं आप हमारे गेस्ट हैं और काफी ऐसी बातें हैं जो हमारे सुनने वाले जो यकीनन इस वक्त सुन रहे होंगे वो जरूर बरकत पा रहे होंगे और बहुत सारी नई बातें। देखिए, खुदा में खुदा के बहुत सारे खुदाम हैं और मुख्तलिफ तरह से वो खिदमत कर रहे हैं, लेकिन हमारी यही कोशिश होती है कि हम उन खुदा के खुदाम के साथ प्रोग्राम्स को कंडक्ट करें जो जिनसे कुछ नया सीखने को मिले। सो आज की गुफ्तगू में बहुत सारी बातें हमारे नाज़रीन के लिए जरूर सीखने के लिए हैं। और इस दौरान में मैं जरूर कहता चलूं, जब आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो जरूर जो अगर आप हमारी इस प्रोग्राम में से बहुत सारी आपने बातें सीख रहे हैं और समझ में आ रही हैं तो जरूर अपनी फीडबैक हमें कमेंट्स में आप साथ साथ जरूर दीजिएगा। सो पादरी साहब, मेरा आपसे अगला सवाल जो ये होगा कि ठीक है, मौरूसी गुनाह हमने खुदा के कलाम की बुनियादों में से हमने सीखा, जाना, परखा और समझा भी, तो इसके हवाले से कि दुनिया गुनाह से कैसे छुटकारा हासिल कर सकती है, जो मौरूसी गुनाह है इससे छुटकारा हासिल कैसे किया जा सकता है। ये तो ऐसे लग रहा है जैसे एक शख्स है और वो अंधे कुएं में पड़ा हुआ है और उसको रोशनी नजर नहीं आ रही, तो उसके लिए क्या उम्मीद है, कैसे छुटकारा हासिल करे वो? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं ये सवाल मैंने पढ़ा था और उसी वक्त एक चीज मेरे जहन में क्लिक की थी कि दुनिया से हमारी मुराद क्या है। ठीक है ना, आप सवाल जो हमारा है वो ये है कि दुनिया गुनाह से कैसे छुटकारा हासिल कर सकती है। यहां पर हम जिक्र करते हैं खुदावंद की उस बरकत का जिसका गलत इस्तेमाल हुआ, और बेशक इंसान की अपनी मर्जी नहीं थी, लेकिन एक तीसरी एंटिटी दाखिल होती है और वो वर्गलाती है और गुमराह करती है और वो अमल में आ जाती है चीज, तो वो है खूबसूरत सी बरकत है हमारे पास, फ्री विल। फ्री विल का इस्तेमाल क्या है? फ्री विल का इस्तेमाल ये है कि इंसान, चलें पहले हम स्टोरी की तरफ जाते हैं, पैदाइशी किताब उसके दूसरे बाप में और तीसरे बाप में, कि जी अबलीस आता है, हवा से बात करता है, हवा बहक जाती है, आदम उसके साथ था, हवा ने खाया तो आदम ने भी उसको भी दिया और उसने भी खा लिया। बेसिकली वो एक दरख्त वहां कर क्या रहा था? दो स्पेशल ट्रीज वहां पे जिक्र है, दो स्पेशल ट्रीज, ठीक है ना, वो बेसिकली कर क्या रहे थे वहां पे? खुदा ने जब अच्छा ही बनाया था और देखा कि सब कुछ अच्छा है तो सब कुछ अच्छा छोड़ देता, वो दरख्त ना वहां प्लांट करता, राइट? और ये हमारा बहुत बेसिक सा सवाल है जो हर नया मसीह जो नया नया सीखना शुरू करता है उसके जहन में ये सवाल जरूर आता है कि जी लो ये तो खुदा का ही कसूर है, खुदा ने जानबूझ के किया तो हम इसके जिम्मेदार नहीं, खुदा जिम्मेदार है। नहीं मेरे भाई मेरी बहनों, खुदा जिम्मेदार नहीं है। खुदा ने वो दरख्त इसीलिए रखा ताकि हम रोबोट ना रहें, हम सिर्फ मतलब अपनी फ्री विल को इस्तेमाल करें। वो फ्री विल का इस्तेमाल क्या था? चूज ये करना था, आया हम खुदा से मोहब्बत रखें या ना रखें। आमीन। समझ रहे बात को? आमीन। फ्री विल का इस्तेमाल ये है कि आप चूज करें कि क्या आपने खुदा से मोहब्बत करनी है कि नहीं करनी है। तो ये सिर्फ ये एक पर्पस था कि खुदा ने इंसान को, खुदा कहते ना कि दूसरे बाप की साथ कि इंसान को मिट्टी से बनाया और अपनी शबी पे उसको बनाया और फिर उसके अंदर क्या फूका? अपना दम। जो दम वहां पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ है इब्रानी जुबान में, उस दम का लफ्ज क्या है? रूह। रूह का मतलब है रूह, उसने अपना रूह दिया।
बेसिकली अच्छा आप में से कितने लोग ये समझते हैं कि खुदा मिट्टी का बना हुआ है? नहीं है ना? बेशक कोई नहीं समझता ये कोई नहीं समझता ना, कुछ हाँ। लोगों का ख्याल है क्योंकि वो कमजोर ईमान है या नहीं सीखा कभी, तो वो यही समझते हैं खुदा के भी ऐसी नाक आंख कान हाथ हैं। और तो बात ये है कि जो मिट्टी से इंसान को बनाया वो खुदा का इमेज नहीं था, जो रूह उसके अंदर डाला गया वो खुदा का इमेज इंसान के अंदर आया। आमीन, आमीन। तो इस गलत फहमी से बाहर हो जाएं कि आपका जिस्म जो है वो खुदा की छवि पर है, वो नहीं, आपका रूह खुदा की छवि पे था, खुदा से जुदा हो गए, अब हम उसको जानते नहीं, ऐसे ऐसे हमने अपनी अपना चेहरा उससे फेरा कि हम उसको पहचानते भी नहीं। हमें पुराने नाम में बहुत मिल जाएगा, ईसाया की किताब में, मतलब कि अगर हम ये गुनाह का टॉपिक छोड़ दें तो ईसाया 53 बाप को हम वायोलेट कर देते हैं, है ना? जी जी बिल्कुल। तो बात ये कि अब वो जो गुनाह है उससे दुनिया छुटकारा कैसे हासिल करे, तो दुनिया से हमारी मुराद कौन है? गुनहगार, गुनहगार। बात ये है 7.4 बिलियन आबादी है सब मौजूदा, 7.4 बिलियन लोग गुनाहगार हैं, है ना? Yes, right. उनमें से हर वो शख्स जो खुदा की आवाज को रिस्पॉन्ड करेगा, जो अपनी फ्री विल को खुदा से मोहब्बत करने के लिए इस्तेमाल करेगा, वो बच जाएगा। Amen. खुदा के लिए दुनिया वो है। अच्छा, अब ये सॉरी मैं वो भूल गया था मरूसी गुना में जिक्र करना, मैं आ रहा बार बार जहन में क्लिक हो रहा है, पैदाइश की किताब उसके पांचवें बाब की 3 आयत बड़ी खूबसूरत है, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको समझ आ जाएगी कि हुआ क्या एक्चुअली मरूसी गुना से, और ये गुना हमारी, हम लोग गुनाहगार क्यों है एक्चुअली, ये बयान हो रहा है यहाँ पर। पैदाइश 5:3 में अगर पढ़ता हूं तो यूं लिखा है, जरा गौर से सुनिएगा, और आदम 130 बरस का था जब उसकी सूरत और शबी का बेटा, किसकी सूरत और शबी? आदम की, आदम की सूरत और शबी का बेटा उसके यहां पैदा हुआ, और उसने उसका नाम सेत रखा। तो हम गुनाहगार क्यों हैं? क्योंकि वो रास्तबाजी, वो पाकीजगी, वो फजल जो आदम के ऊपर हुआ था जब वो बागे अदन में था, अब हमारे साथ नहीं। वो शबी जिस पे आदम को बनाया गया था, हम उस शबी से दूर हैं। समझ रहे मेरी बात? आमीन, आमीन। तो अब जब आदम 130 बरस का होता है, वो जो बेटा उसके यहां पैदा होता है, वो एक इंसानी अमल से पैदा होता है, आदमी और नर और नारी के अमल से पैदा होता है, और वो खुदा की शबी पे नहीं है। उस शबी को रिस्टोर करने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह की जरूरत है। जब तक वो शबी रिस्टोर नहीं होती हमारे अंदर, हम गुनाहगार हैं और गुनाहगार ही रहेंगे। और अगर हम उम्मीद रख रहे हैं कि वो उस रास्तबाजी को या उस शबी को रिस्टोर किए बगैर हम खुदा की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, तो आगे आप समझदार हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने यूहन्ना 14 बाब की 1 आयत में कहा, दरवाजा मैं हूं, तो राह और जिंदगी मैं हूँ, वो रास्ता और वो राह, वो जिंदगी और सच, वो यीशु मसीह है। तो देर इज नो अदर वे, कोई और रास्ता नहीं है, अगर होता तो यीशु मसीह जरूर बता कर जाते। एग्जैक्टली, देर इज नो अदर वे। प्लस हमारे लिए सीखने के लिए सिर्फ एक ही चीज, अच्छा चलें आप बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन उनमें से खास चीज अभी यूहन्ना 14 बाब का जिक्र है, 15 बाब की बात करने लगा हूं, और उसमें क्या लिखा है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, राइट? जो मुझ में कायम रहता है वो क्या करता है? फल लाता है। आमीन। नहीं, बहुत सा फल लाता है। आमीन। ये है खुदावन, ये निशानी है खुदावन यीशु मसीह के अंदर पैवस्त होने की, खुदा की शबी को रिस्टोर करने की। आमीन। अगर आपकी जिंदगी के वसीले से और रूहें बच रही हैं, तो यकीनन आप खुदा के अंदर, उसकी शबि के अंदर दोबारा जिंदा हो चुके हैं। आमीन। तो आपके पास ये गारंटी है, ये दलेरी है कि आप खुदा की बादशाही में दाखिल होकर ही रहेंगे। आमीन। समझ रहे हैं? और अगर आपके वसीला से आज तक कोई काम नहीं हो, सिर्फ चर्चों के पंखे चेंज हुए हैं, कारपेट चेंज हुए हैं, और नई नई बेंचे आ गई हैं, पेंट हो गया चर्च में, तो याद रखिए कोई हासिल नहीं, ठीक है? तो ये सिर्फ अपने अपने दिल को तसल्ली देने की बात है। दुनिया में अगर किसी को गुनाह से छुटकारा चाहिए, अब दुनिया में अगर किसी को की बात कर, मैं दुनिया की बात नहीं कर रहा, क्योंकि कलाम का फैसला है हर एक शख्स नहीं बचेगा,
वही जो फजल के तहत बुलाए गए हैं उनको खुदावन यीशु मसीह की जरूरत है। आमीन। समझ रहे हैं? अब खुदावन यीशु मसीह की जरूरत है किस तरह से? तुलसियों का खत है उसके तीसरे बाब की पहली आयत में पढ़ देता हूं आपको। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो आलम बाला की चीजों की तलाश में रहो जहां मसीह मौजूद है और खुदा की दहनी तरफ बैठा है। आमीन। अच्छा, यहां पे आप ग्रामर चेक करें इस आयत की क्या है। ये आपका फ्यूचर नहीं बता रहा है, ये आपको प्रेजेंट अभी बता रहा है। बस जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, आप ऑलरेडी मसीह में जिंदा हो चुके हैं। मिसाल अगर हमें देखनी है, अगर कोई गुनाहगार जिसको निजात मिली हो, अगर उसकी मिसाल हमने देखनी है, तो मैं आपको दो तीन लोग गिनवा देता हूं। ओके। पतरस, राइट? यीशु मसीह से मिलने से पहले वो शख्स क्या था? मछेरा था, मछली पकड़ने वाला, फिशरमैन था। फिशरमैन था। और जब यीशु मसीह उसकी कश्ती में आते हैं और फिर वो मछली पकड़ के आते हैं, तो पतरस का पहला डायलॉग क्या था? अरे खुदावन मुझसे दूर हो जा, मैं गुनाहगार हूं। राइट? क्या कहता है? मुझसे दूर हो जा, मैं गुनाहगार हूं। हम में से बहुत से लोग आज यही कर रहे हैं। हम खुदावन यीशु मसीह कहते हैं दूर हो जा, मैं गुनाहगार हूं, और वो नहीं होता तो हम खुद ही दूर हो जाते हैं। राइट? वो फिर भी होता तो हम खुद ही दूर रहते, कहते नहीं नहीं बस हम यहीं ठीक हैं, असली लागे नहीं जाना। एग्जैक्टली। तो इस तरह से एक तो पतरस की हमें मिसाल मिलती है, लेकिन फिर अब पतरस है जब वो यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारता है। अच्छा, ये एक बहुत जरूरी एलिमेंट है, वक्त गुजारना। जब वो यीशु मसीह के साथ वक्त गुजारता है तो क्या होता है? एक दिन बड़ा गुस्से में आता है यीशु मसीह के पास, अरे खुदावन मुझे बता मैं अपने भाई को कितनी बार माफ करूं। तो यीशु मसीह क्या कहता है? 70 बार। कि बस माफ ही करता जाए, तो गिन ना कितनी दफा करना तूने। ठीक है। फिर एक जगह पर, अब ये बड़ा क्रूशल मोमेंट है जहां पे यीशु मसीह को सिपाही आते हैं, पकड़ते हैं और ले जाते हैं, और बड़ा ना शिद्दत से खुदावन यीशु मसीह मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, राइट? यीशु मसीह पैर धोते हैं, तो पतरस क्या कहता है? मुझे पूरा सर से लेके नीचे तक धो दे। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं कि जो लोग पहले ही धुल, जो लोग मुझ में हैं वो ऑलरेडी धुल चुके हैं, राइट? आमीन। उनको नहाने की हाजत नहीं, यही काफी है। ठीक है, तो वो कॉन्टेक्स्ट आप पढ़ लीजिएगा उसका। जी जरूर। तो मतलब वो रास्तबाजी यीशु मसीह ने उसको ऑलरेडी डिक्लेयर कर दी। दैट मींस वो यीशु मसीह के साथ जलाया गया, जलाया, जलाया नहीं है, आग से जलाने वाला नहीं, जलाया, जिंदा होगा। वो यीशु मसीह के साथ जिंदा कर दिया गया। यीशु मसीह कहता है तू मेरे साथ ऑलरेडी जिंदा है, अब तुझे इसकी हाजत नहीं है, तू पाक हो चुका है। आमीन। अच्छा, अभी ये एक जिक्र हो रहा है पाक होने वाला, और कुछ ही देर में वो इनकार कर देता है यीशु मसीह का। यीशु मसीह के साथ जिलाया गया शख्स इनकार करता है यीशु मसीह का, और फिर फूट फूट के रोता है। अब मजे की बात देखिए, यीशु मसीह जिंदा होते हैं, कहते हैं कि मरियम से मुलाकात होती है ना सबसे पहले, और क्या कहते हैं मरियम को? कि जा और जाके भाइयों को बता दे कि मैं जिंदा हो गया हूं। एक खास बात हमने अक्सर मिस की है, और शमाउन से, सीफस से, पत्रस से कहना को भी बताना। क्या पॉइंट है कि उसका नाम अलग से मेंशन किया गया? वो इसलिए किया गया क्योंकि वो दिलों के हाल को जानता है। बेशक पौलुस रसूल गुनाह की हालत में अपने आप को कोसता होगा, रोता होगा, अंदर ही अंदर कुड़ता होगा, मरता होगा, तो यीशु मसीह ने उसकी तसल्ली के लिए उसका नाम लेकर पैगाम कहलवाया कि मैं जिंदा हो गया। आमीन। और फिर अच्छा, 3 बार उसने इनकार किया, फिर हमें इसका बैलेंस कहां मिलता है? जब वो झील के किनारे सुबह सुबह का टाइम है, कश्ती में ये लोग बैठे हैं और यीशु मसीह वहां पे मछली भून रहे हैं जी। बेशक, बिल्कुल बिल्कुल। और कितनी बार उसने कहा पतरस को कि मेरी भेड़ों की हिफाजत, क्या तुम इससे वाकई मोहब्बत करता है? 3 बार। 3 बार। 3 बार इनकार, 3 बार इकरार। आमीन। उससे इकरार लिया और फिर अपनी भेड़ें उसको सौंपी गई। आमीन। ठीक है, अब क्या पतरस ने पूरी दुनिया को निजात दे दी? नहीं,
वो लोग जो पत्रस के लिए मुकर्रर किए गए थे, पत्रस का पैगाम उन तक पहुंचा और वो ही उसके वसीला से निजात पा सके। अब दूसरी मिसाल हमें मिलती है पौलुस रसूल की, और फिर मैं वाइंड अप करता हूं विद इन टू और थ्री मिनट। पौलुस रसूल की हमें मिसाल मिलती है, पौलुस रसूल जो है क्या कहते हैं कि मैं क्या होने के लिए बुलाया गया हूं, रसूल होने के लिए बुलाया गया हूं। ठीक है, फिर वो एक जगह पर कहता है कि मसीह जो मेरी खुशखबरी है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि मसीह के साथ जिलाया गया क्या होता है, ठीक है, और जो जिलाया गया है वो ही दुनिया में निजात का काम कर सकता है। और निजात जरूरी नहीं कि आप पूरी दुनिया को देंगे, आपके हिस्से के जो लोग खुदा ने मुकर्रर किए हैं, आपने सिर्फ उतनी रूहें बचा ली तो आपकी एंट्री तो पक्की है खुदा की बादशाही में। हालेलुया, आमीन, आमीन। ठीक है ना, एक रूह भी अगर आपके साथ है जो खुदावंद के हुजूर में इकरार करे कि मैं इस भाई के वसीले से बचाई गई, इस बहन के वसीले से बचाई गई, कोई आपको नहीं रोक सकता खुदा की बादशाही में दाखिल होने से। आमीन। ठीक है, तो पौलुस रसूल अगर हम उसकी मिसाल देखते हैं और वो कहता है कि मैं यहूदियों के लिए नहीं बल्कि गैर कौमों के लिए बुलाया गया, मैं गैर कौमों का रसूल हूं। उसने अपना सारा कुछ गैर कौमों के लिए दे दिया और आज हम जो बैठे हैं हम पौलुस रसूल के काम की पैदावार है। आमीन। हालेलुया। तो याद रखिए कि दुनिया गुनाह से कैसे छुटकारा पाएगी, मिसालें कलाम मुकद्दस में मौजूद हैं। हर वो शख्स जो आप देख रहे हैं कि खुदा उसको इस्तेमाल कर रहा है, आप उसकी जिंदगी का पैटर्न देखें। ठीक है, पुराने नामे में भी आप अंबिया को पढ़ लें, दाऊद बादशाह को पढ़ लें, और फिर नए नामे के आप रसूलों को पढ़ लें, आपको पता चल जाएगा कि दुनिया कैसे निजात पा सकती है। आपने सिर्फ अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखनी है, आपका पड़ोसी। अच्छा, पड़ोसी से मोहब्बत क्या है, रोटी है नहीं है, कपड़ा है नहीं, ये नहीं पूछना उससे, क्योंकि ठीक है आप एक दिन सखी हो के उसको खाना खिला देंगे, एक हफ्ता खिला देंगे, दो हफ्ते, तीसरे हफ्ते आप क्या करेंगे, और भाई मैंने जान दे, मैंने माफ कर, मैं इतनी ज्यादा मेरी बात नहीं कर सकता। हाँ जी, एग्जैक्टली। कपड़े, अच्छा फिर कपड़े हमने देने होते तो हम क्या कहते हैं, ओ यार अंदर अलमारी से कोई पुरानी जी शर्ट काट के दे दे, तो कोई शर्ट कोई नहीं। तो ये आपने अपनी ऐसी मोहब्बत की ही नहीं। बेसिकली आपको शर्ट चाहिए तो आप बाजार भागते हैं, तो उसको बाजार लेके जाए ना, लेके दें, राइट। तो पहले तो मोहब्बत करना अभी हमने सीखना है अभी। अच्छा, तो पड़ोसी से मोहब्बत का पैगाम हमें दिया क्यों है, वो निजात, वो उम्मीद, वो फजल जो आपके पास है वो आपके पड़ोसी के पास होना जरूर है। ये है पड़ोसी से असल मोहब्बत। आमीन, आमीन। अपनी मानिंद मोहब्बत जी, मैं तो खुदा की बादशाही में जाना चाहता, मेरा पड़ोसी खैर मानदा नहीं, आपको काम करते रहना, आपको उसके लिए रो के दुआएं करने की जरूरत है। कन्वर्जन ट्रांसफॉर्मेशन होनी है नहीं होनी खुदा का काम है, उसके ऊपर छोड़ दें, आप सिर्फ अपने हिस्से का काम करें। आपने उसके लिए दुआ करनी है, उसके साथ यीशु मसीह को शेयर करना है, खुदा ने उसके दिल में काम करना होगा, करेगा नहीं करेगा, तो आपको एक वक्त आएगा जब आप अपने पैर की धूल झाड़ेंगे और वहां से चले जाएंगे, आपकी सलामती आप पर वापस लौट आएगी। आमीन, आमीन। तो इस तरह से याद रखें, दुनिया यीशु मसीह के बगैर छुटकारा नहीं पा सकती। यीशु जो दुनिया में जिस्म में आया, राइट, और मसीह जो जी उठा और मसीह कहलाया। आमीन। इसकी जरूरत है, आप इस चीजों को जान लें, आगे खुदा का रूह आपके ऊपर ऐसे भेद खोलेगा कि आपको फिर किसी उस्ताद की जरूरत नहीं है, खुदा खुद आपका उस्ताद और रहनुमा ठहर जाएगा। आमीन। खुदा उनके नाम को जलाल हो, खुदा आपको बरकत दे। आमीन। So, साथियों जो आज के इस प्रोग्राम में बहुत खूबसूरत बातें पादरी साहब ने की, और जो मौरूसी गुनाह का जो तसव्वुर है उस पर खूब बखूबी तौर पर उन्होंने मुख्तलिफ हवाला जात दिए। जब मैं इनकी गुफ्तगु सुन रहा था तो मैं बहुत सारी चीजें मेरे जहन में अभी चल रही हैं। सो मैंने एक पिक्चर जो है वो कुछ बनाई है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसा कि पांच की तीन, पैदाइश के पांचवें बाब की तीसरी आयत जो पादरी साहब ने पेश की, वो एक खूबसूरत मिसाल थी मौरूसी गुनाह के ताल्लुक से, जिसमें ये बात समझ में तो आती है कि जब आदम ने गुनाह किया तो बज़ाहर तो वो उसकी डेथ नहीं हुई, लेकिन उसकी उसका सबूत, उसकी जो स्पिरिचुअल डेथ है, उसका यूं सबूत मिलता है कि खुदा जब उसको उस दिन शाम को मिलने आता है तो खुदा खुदा को वो नजर नहीं आ रहा होता, खुदा उसको ढूंढ रहा होता है, खुदा उसको आवाज दे रहा होता है कि आदम आदम तू कहाँ है। तो मैं ऐसे खुदा को नहीं मानता हूं जो जिसको एक इतना 6 फुट का इंसान नजर ना आ रहा हो। खुदा को, खुदा तो वो खुदा है जो आपके दिलों के अंदर भी देख लेता है,
तो एक 6 फुट का शख्स कैसे नजर नहीं आ रहा था उसको। तो एक बहुत बड़ा सबूत है कि आदम की स्पिरिचुअल डेथ हो चुकी थी। और 5 की 3 जो पैदाइश की पादरी साहब ने पेश की वो एक अच्छी मिसाल थी कि बाद की जो आने वाली नस्ल है जो आदम से पैदा हुई वो आदम की शबी पर बनी पैदा हुई, ना कि खुदा की शबी पर। सो ये एक अहम तरीन बात थी। और दाऊद 51 जबूर उसकी 5वीं आयत भी बड़ा जबरदस्त हवाला पाल साहब ने पेश किया, जिसमें खुदा का बंदा जिसे हम जबूर में भी गाते हैं कि मेनू बिच गुनाह दे जमिया मेरी भाई। सो ये तमाम बातें आपस में बड़ा गहरा लिंक पैदा करती हुई हमें नजर आती हैं। और बिल आखिर जब हम नए अहदनामा में आते हैं तो मत्ती की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत बखूबी तौर पर इसको भी हमारे लिए अयां कर देती है, जिसमें लिखा है कि तू उसका नाम यसु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। तो उसके आने का मतलब यह है कि वो हमें हमारे गुनाहों से निजात दे सके। और दुनिया में ये एक अटल बात है, कोई हाथ नहीं खड़ा करेगा किसी भी उम्मत में से। ये हमारे यसु मसीह का ही जलाल है, उसकी कुदरत है कि वो जमीन पर आया। आज तक कोई दुनिया में कोई शख्स ये नहीं कह सकता कि जा तेरे गुनाह मुआफ हुए। ये खुदावन यसु मसीह थे जिन्होंने ये कहा कि जा तेरे गुनाह मुआफ हुए। और थैंक यू पादरी साहब, आपकी जो भी गुफ्तगू रही, जितने भी सवालात के आपने रिस्पॉन्सेज दिए, उसमें आपने दिमाग की खिड़कियां खोलने वाले आपने हवाला जात जो है वो दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि देखने वाले जो हमारी ऑडियंस है, जो हमारे नाजरीन है, जरूर वो बरकत पा रहे होंगे। एक चीज मैं सिर्फ मेंशन करूं 1 मिनट के लिए कि मैंने जितनी भी बातें की हैं सिर्फ सताई लेवल की बातें हैं, अभी गहरा उतरना बाकी है। जो लोग ये हमारी कॉन्वर्सेशन को सुनेंगे, आप लोगों के लिए मैंने बहुत सारे दरवाजे खोल दिए हैं कि आप उसके अंदर दाखिल हों और देखें कि उसकी अंदर खूबसूरती कितनी है। तो काइंडली इसको जाया ना कीजिएगा, हर एक टॉपिक की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, आप अंदर जाएं और गहरा सीखिए, खुदा आपको बरकत देगा। तो आखिर में पाल साहब, मैं आपके आपसे ये कहना चाहूंगा, आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरा मैसेज आप लोगों के लिए वेरी सिंपल, जिस तरह साउल दमिश्क की राह पर यीशु मसीह के लोगों को सताने जाता था और जैसे ही उस मसीह का मुकाश उसके ऊपर खुलता है तो वो दुनियावी तौर पर अंधा हो जाता है, उसको कुछ और नजर नहीं आता सिवाय यीशु मसीह के, और सारी जिंदगी वो यीशु मसीह के पीछे ही चला। कहता है कि तुम मेरी मानित बनते जाओ जैसे मसीह की मानित बनता जा रहा हूं। मेरा पैगाम आप लोगों के लिए ये है कि यीशु मसीह की मानित बन जाइए। और लेट्स मेक इट वेरी क्लियर, हमारे पास 2 अहकाम हैं, 1 मोहब्बत का, 1 खिदमत का। उसको पूरा करना जरूर है, उसके बगैर हम बादशाही की उम्मीद ना रखें तो बेहतर है। पहला, अपने खुदा से मोहब्बत रखें और मोहब्बत में ही अपने पड़ोसी से मोहब्बत रखें। दूसरा, दुनिया के इंतहा तक अंजील की मुनादी करें। अगर ये क्या कहता है कि अगर तुम में से कोई एक भी शरीयत के किसी एक हुक्म का भी गुनाहगार है तो वो पूरी शरीयत का गुनाहगार ठहरा। अगर आप इन दोनों में से एक काम करते हैं, दूसरा नहीं करते, या दूसरा करते हैं पहला नहीं करते, तो वी हैव नो होप। यसु क्या है, यसु का मसीह होना क्या है, जिस दिन आप ये जान जाएंगे उस दिन आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और मैं कोशिश करूंगा पास्टर साहब के इस चैनल के थ्रू, अगर हम कभी फिर दोबारा मौका मिला तो हम यसु के मसीह होने को कैसे साबित कर सकते हैं इस पे बात करेंगे। खुदा आपको बरकत दे, मसीह में कायम रहें, मसीह के काम करें, वो काम जो आपके मसीह होने के सबब से आपके ऊपर लाजिम है वो करें, और हमेशा जीतते रहें। मैं आपके साथ और हम सब खुदावंद यीशु मसीह के साथ उसके अब्दी बारगाह में दाखिल हों और हमेशा वहां सकूनत करें। ये मेरा पैगाम आपके लिए। आमीन, आमीन। जी थैंक यू सो मच पास्टर साहब, जरूर आपके साथ एक और नशिस्त रखेंगे ताकि इस टॉपिक पर जिसका आपने जिक्र किया इस पर भी हम आपके साथ बात कर सकें और खुदा के लोग आपको सुन सकें और सीख सकें। और ये वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक आई थिंक, जो जिसकी तरफ आपने निशानदही की है। बहुत सारे लोग यीशु मसीह को जानते तो है, यीशु मसीह को पता तो है कि यीशु मसीह है, लेकिन वो उसको भरपूर तरीका से वाकई नहीं जानते। तो ये बहुत जरूरी है कि वो यीशु मसीह को जानें।
जी थैंक यू सो मच पास्टर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम टू अस टुडे इन फॉर दिस प्रोग्राम. खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और खुदावंद इसी तरह से आपको दुनिया के तुल अर्ज में इस्तेमाल करता रहे, ये हमारी भी दुआ है आपके लिए. और जरूर आपके साथ किसी और प्रोग्राम में जरूर मिलेंगे और बातचीत करेंगे. नाज़रीन मैं आपको आज के इस प्रोग्राम के तवस्सुत से और आज के इस उन्वान के तवस्सुत से उन तमाम देखने वालों को जो आज तक खुदावंद यीशु मसीह के सामने अपने घुटनों को इसलिए नहीं टेक सके कि हम इकरार नहीं करना चाहते या हम अपने गुनाहों को मानना नहीं चाहते, आज की जरूर गुफ्तगू आपके लिए जरूर एक क्षमा की तरह है. जरूर आज ही खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करिए, आपके तमाम गुनाह यीशु मसीह में धुल जाएंगे और आप रीन्यू हो जाएंगे और खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत देगा. अगर आप वाकई ही अपने गुनाहों से छुटकारा चाहते हैं तो खुदावंद यीशु मसीह वाहद एक हमारी उम्मीद है और दूसरी कोई उम्मीद नहीं. सो थैंक यू सो मच. हमारे प्रोग्राम को देखने के बाद आप जरूर अपनी फीडबैक हमें दीजिए ताकि हमें पता चल सके कि ये प्रोग्राम आपके लिए किस हद तक बरकत का बायस बना. और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दूसरे लोगों के साथ इसको शेयर जरूर कीजिएगा ताकि खुदावंद यीशु मसीह का ये कलाम पूरी दुनिया में फैलता जाए. सो थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. एक चीज सॉरी, इससे पहले कि हम खत्म करेंगे कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के तकरीबन सारे सूबों में खुदावंद यीशु मसीह के फजल से कुछ शागिर्द ढूंढे गए हैं और उनको गॉस्पल के अंदर खुदावंद की खुशखबरी के अंदर पेवस्त किया गया है. अगर आप लोग चाहते हैं उनसे राब्ता करना, कलाम में मजीद बढ़ना, तो आप लोग पास्टर साहब से मेरा रेफरेंस ले सकते हैं. एनी टाइम आई एम अवेलेबल और मैं आपको कुछ वहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हमारे शागिर्द हैं उनको उनके कॉन्टेक्ट आपको दूंगा. आप उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए और आप देखेंगे कि किस तरह खुदा का कलाम, खुदा का रूह पाकिस्तान में काम कर रहा है. कदूस 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 खुदा रब्बुल फज बहरो बर के खालिक के मालिक पैरे से तुझे था, तुझे है, तुझे आने वाला है, तू जो बादशाहों का बादशाह है, तू जो अव्वल तू जो आखिर है, तू जो अल्फा तू जो ओमेगा है, तू जो कुल कायनात का खालिक और मालिक है रब्बुल फज, कुछ भी तुझ से बाहर नहीं, सब तेरे अंदर है. खुदावंद बहुत सी चीजें हैं जो हमारी अकल से परे हैं, बहुत सी चीजें हैं जो हमें समझ नहीं आती, लेकिन खुदावंद मुनासिब वक्त पर तू अपने रूह के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से हम पर मुकाशफात को खोलता है. तेरे शुक्रगुजार हैं खुदावंद रब्बुल फज. मैं अपने इस भाई मेहताब गिल के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ. खुदावंद इसको दिन दुगनी रात चौगनी बरकत दे. खुदावंद बख्श दे कि इसकी खिदमत तेरे जलाल और इसके ना सिर्फ फायदे के लिए हो. रब्बुल फज तेरी मिन्नत करता हूँ कि न्यू लाइफ ट्रस्ट चैनल को बरकत दे जिसके वसीला से तेरा कलाम दुनिया के कोने कोने में पहुंच रहा है. बाप बख्श दे के हर तरह के ऐसे अनासर जो तेरे कलाम को लोगों तक पहुंचने या उसको ट्विस्ट करने की कोशिश करते हैं, उन सबको तेरे यीशु नाम में आज से हुक्म देते हैं कि कभी हमारी राह में ना आए. रब्बुल बख्श दे इस चैनल के वसीला से खालिस और हकीकी कलाम लोगों के कानों तक पहुंचे और उनकी रूहों में उतरे और उनकी रूहें ट्रांसफॉर्म हों, वो नए सिरे से पैदा हों, वो नए सिरे से न्यू क्रिएशन बने और खुदावंद तेरे जलाली काम, आसमानी काम इस जमीन पर करें और तेरी बादशाही को यहाँ कायम करने वाले हों. खुदावंद अपने भाई मेहताब के सारे घराने के लिए, सारी मिनिस्ट्री के लिए, सारी काम काज जो ये करते हैं बाप, सब पर तेरे रूह का मसा ठहरा देता हूँ. yes, उनको बरकत देना. हर तरह की बीमारी, अगर इनके घर में किसी तरह की बीमारी, तेरे यीशु नाम में जाती रहे. अगर किसी चीज का स्ट्रेस या स्ट्रेन है, तेरे यीशु नाम में जाता रहे. और ये फुल फ्रीडम, फुल शादमानी, फुल तसल्ली, पूरे इत्मीनान के साथ तेरी खिदमत करने में मशगूल रहे. खुदावन हर तरह की जहनी स्ट्रेस से इनको दूर रख और रूहानी कुवत से इनको मालामाल कर. खुदावन इनकी जिंदगी में तेरे रूह का फल लगे और इनके उस फल के वसीला से खुदावन लोग इन्हें तेरा बंदा जाने. रब्बुल फज दुआ करता हूँ इसी तरह से वो तमाम लोग जो पाकिस्तान में इस कोरोना से जूझ रहे हैं, बाप तेरे यीशु नाम में तू उनकी ताकत बन. वो लोग जो कोरोना का शिकार हैं और तेरे नाम से खिलाते हैं, खुदावन उनके लिए हिफाजत चाहते हैं. यस लॉर्ड बाप, वो तेरे चुने हुए लोग जिन
की जिंदगी में अभी तेरा काम होना बाकी है, खुदावंद उन पर रहम कर, उनकी उम्रों को बढ़ा कि वो अपनी जिंदगी में तेरे कलाम को सुने और ईमान लाएं और हमेशा की जिंदगी के वारिस हों। रबुल फाज, अब जब हम इस रफाकत को यहाँ पर आज रोकते हैं, बख्श दे कि तेरा जलाल जाहिर होता रहे हमारी जिंदगियों से। बाप, मैं अपने भाई को तेरी आसमानी और जमीनी बरकतों के साथ रुखसत करता हूँ, और जब हम मिलें हम हमेशा इसी तरह तेरे प्यार और तेरी मोहब्बत में एक दूसरे से बात करें, मिलें और एक दूसरे के लिए बाई से बरकत हो। ना सिर्फ हम एक दूसरे के लिए, बल्कि खुदावन हम तेरी वो फलदार शाखें हो जाएं जिसमें बहुत सा फल लगे, और जब हम तेरे हुजूर में पहुंचे तो तू खुद खुदावन हमें हमारी आराम की जगह पर दाखिल करे। हमें अपने जलाल के लिए इस दुनिया में कसरत से इस्तेमाल कर। खुदावन हमारी सारी कमी, खामी, कमजोरी तेरे उस खून के वसीला से जो सलीब पर बहा है दूर हो जाए, धुल जाए, और हम बर्फ की मानिंद सफेद हो जाए। हमारी रास्तबाजी तेरी रास्तबाजी हो जाए खुदावन। यस लॉर्ड। रबुल फाज, हम अपने आप में अपना कुछ ना देखें, बल्कि हमारे लिए जीना मसीह और मरना नफा हो जाए। हालेलुया। यस लॉर्ड। खुदावन, आज इस वक्त की सारी बरकत जो हमने समेटी, हम उसके लिए तेरे बहुत शुक्रगुजार, और हमें इसी तरह मजीद अपने जलाल के लिए दुनिया में इस्तेमाल कर के आखिरी दम तक हम तेरे लोग कहलाएं और तेरे ईमान पर कायम रहें। ये सब कुछ मांग लेते हैं तेरे बाबरकत जलाली प्यारे यीशु मसीह के नाम से, इस ईमान के साथ कि जो कुछ हमने तुझसे मांगा है तूने हमें दे दिया है, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम में। आमीन।